नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। महुआ थाना पर आज आगामी पर्व कुर्बानी को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार। महुआ थाना पर आज आगामी पर्व कुर्बानी को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता महुआ थाना अध्यक्ष व पुलिस निरीक्षक प्रभात रंजन सक्सेना ने किया। इस शांति समिति बैठक में महुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआ अंचलाधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, मुखिया, समिति आदि प्रमुख लोगों ने भाग लिया और मिल बैठकर यह निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्वक पर्व मनाया जाएगा। उपस्थित लोगों में अशरफी दास, मुखिया अरुण राय, विजय पासवान, पारस मणि, दिलीप पासवान, शुकेश्वर दास, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद जावेद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। हरेक त्यौहार को सफलतापूर्वक और एक अच्छे ढंग से सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके। हमारा 10 तारीख को बकरीद का और त्यौहार चाहे त्यौहार हमारा हिंदू समाज से संबंधित हो या त्यौहार हमारे मुस्लिम भाइयों से संबंधित हो, त्यौहार त्यौहार है। इसमें एक दूसरे के त्यौहार को हम अपना त्यौहार मानते हुए बिल्कुल एक अच्छा सा वातावरण में हम लोग निभाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप लोग विगत सभी त्यौहार में करते आ रहे हैं। आगामी जो हमारा त्यौहार है मुहर्रम का त्यौहार, सबसे पहले दो दिन तक हम जाना चाहेंगे। किसी भी त्यौहार में आप समाज में हैं, अफवाह पर बिल्कुल ध्यान दें। अफवाह सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। अफवाह एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, वास्तविक रूप में कुछ भी नहीं होता, लेकिन कहने को बहुत कुछ हो जाता है। अगर कहीं से भी समाज के किसी भी वर्ग से भी अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई अगर इशू अगर निकल कर आती है, तो सबसे पहले हमारा और आपका और आपके माध्यम से इस समाज का यह कर्तव्य होगा कि पहले उस इशू के बारे में अच्छा सा जानकारी हासिल किया जाए कि क्या अगर इस ढंग का इशू अगर जो कि एक ऐसे त्यौहार या कैसे आयोजन जो एक सार्वजनिक रूप से किया जाता रहा हो, उसमें आप सभी ने अपना अपना निश्चित समय निकाल कर आप सभी ने अपना अपना अमूल्य योगदान देकर सफलतापूर्वक निर्वहन करने में काफ़ी भूमिका निभाई। हम आशा करते हैं, बल्कि आशा ही नहीं बल्कि हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, आप सभी तन्मय होकर के इस प्रकार पूर्व से आप अपना योगदान इस महुआ के समाज में एक अच्छा वातावरण बनाने में, यहाँ के हर एक त्यौहार को बिल्कुल एक सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में।